प्लस वन क्लास बीटेट थ्री ई एक्सरसाइज का नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको. इफ कॉज ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू कॉज ए माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी देन शो दैट टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन डी इज इक्वल टू जीरो. बेटा हमें ये प्रूव करना है, जो चीज गिवन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. ये है कॉज ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू कॉज ए माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी. अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो कॉज वाले सारे एक साइड कर लेते हैं, ए बी वाले ना, ए बी वाले एक साइड पे, सी डी वाले एक साइड पे, ये इसके नीचे आ जाएगा और सी माइनस डी इसके नीचे चला जाएगा. ये आएगा कॉज ए प्लस बी अपॉन कॉज ए माइनस बी, ये इसके नीचे आ गया. इसी तरह से ये इसके नीचे जाएगा, साइन सी प्लस डी अपॉन साइन सी माइनस डी. अब हम फॉर्मूले लगाना चाहते हैं. मैं इसको आपको फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, इस तरह से पढ़े हैं ना फॉर्मूले, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हम अप्लाई करना है. देन यहाँ लिखते हैं कॉज ए प्लस बी, उसमें क्या था, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो करेंगे दोनों साइड सेम करेंगे. ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, यहाँ मैंने न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया है, इधर भी यही करेंगे, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर साइन सी माइनस डी अपॉन नीचे यहाँ पे न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे यहाँ पे न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अब देखिए किसका फॉर्मूला बनता है, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, ये बेटा फॉर्मूला बनता है टू कॉज ए कॉज बी का, टू कॉज ए कॉज बी. अब ये जो नीचे फॉर्मूला है वो होता है वैसे तो माइनस में ना, तो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, मीन्स यहाँ से हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी. अब इधर तो हम वही लगाते हैं, इसको भी ए बी मान के चलिए माइंड में अपने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. फर्स्ट फॉर्मूला है साइन कॉज होता है टू साइन ए कॉज बी, तो ए की जगह पे यहाँ पे सी है, बी की जगह पे डी. अगला फॉर्मूला बेटे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है सेकेंड फॉर्मूला, और कॉस साइन होता है टू कॉस ए साइन बी, ए की जगह पे सी आ गया और साइन बी, बी की जगह पे क्या है यहाँ पे डी, टू से ए टू कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ पे टू कॉस ए कॉस बी अपॉन नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, माइनस तो वैसे रहेगा, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, ये लास्ट फॉर्मूला बनता है टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, और टू सी ए टू कैंसिल इज इक्वल टू, देखो हम अलग अलग करते हैं, साइन सी अपॉन कॉज सी इंटू कॉज डी अपॉन साइन डी, ये हमारे पास बन रहा है माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए इंटू कॉज बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, ये बन गया टेन सी और ये बन गया कॉट सी कॉट डी सॉरी. अब ये बना माइनस कॉट ए और ये बना कॉट बी इज इक्वल टू टेन सी इंटू टेन डी, लेकिन कॉट डी, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें सारे किसमें दिए हैं, टेन में दिए हैं, तो हमें टेन में चेंज करना है. कॉट का उल्टा होता है टेन, ये नीचे चला जाएगा, वन अपॉन टेन ए टेन बी इज इक्वल टू यहाँ पे tan c और cot का उल्ट क्या बन जाएगा tan tan d. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते tan d को इधर ले जाते हैं बाकी सारा उधर, माइनस tan d इज इक्वल टू ये उधर चला गया tan a tan b इंटू tan c. तो ये देखिए हमें जो आंसर चाहिए वो था tan a tan b tan c प्लस tan d, तो इसको माइनस को उधर ले जाते हैं, ये बनेगा tan a tan b tan c प्लस tan d इज इक्वल टू जीरो. That's all, बेटा.